हेलो एंड वेलकम गाइस। तो रेडमी की तरफ से जो इनकी नोट वाली सीरीज आती है, ये लगभग 8 से 10 महीने के गैप में ये लोग लॉन्च करते हैं। बट फिलहाल क्या हो रहा है कि नोट 9 के बाद नोट 10 को आने में लगभग पूरा कंप्लीट 1 ईयर लगा था, और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो नोट 10 है, नोट 10 से नोट 11 आने में कंप्लीट ईयर नहीं लगने वाला है, क्योंकि पिछले साल कोरोना वायरस का क्रिसिस था, आप सब जानते ही हैं। ऐसे में मार्केट्स वगैरह सब ज़्यादा बंद थे, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, करने को इतना काम नहीं था, तो इनकम भी जनरेट नहीं हो रही थी। ऐसे में स्मार्टफोन्स के लॉन्चेस भी रुक गए थे और स्मार्टफोन्स भी इतने ज़्यादा नहीं बिक रहे थे। बट फिलहाल रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11 को लॉन्च करने की तैयारी कर दी गई है, और ये तैयारी जो की गई है ये फिलहाल चाइना के अंदर की गई है, और चाइना में एक पोस्ट से पता लगा है कि यहाँ पर वो लोग नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर अ न्यू फोन। और जाहिर सी बात है कि नोट 10 के बाद नोट 11 ही आएगा इनका, जो कि चाइना में लॉन्च होने वाला है। अब उसके अंदर ज़्यादा स्पेक्स तो पता नहीं लगे हैं, लेकिन फिलहाल ये चीज़ कंफर्म कर दी गई है अबाउट, मतलब कंफर्म किया कि र्यूमर्स ही है फिलहाल, कि ये फ़ोन हमारा 120 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आने वाला है। और र्यूमर्स यहाँ तक है कि ये स्नैपड्रैगन 870 पर आएगा। फिलहाल मुझे ये स्नैपड्रैगन 870 वाला र्यूमर्स तो इतना सही नहीं लगता, बट फिर भी हाँ, स्नैपड्रैगन 778G पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मे बी शायद नोट 11 सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी जाए, और नोट 11 के बाद में नोट 11 प्रो और प्रो मैक्स की तरह यहाँ पर जैसे कि इंडिया में आते हैं उस टाइप से मे बी ना आए, वहाँ पर केवल नोट 11 और नोट 11 प्रो 5G को ही लॉन्च किया जाएगा। जबकि ये इंडिया में आते हैं तो ये 3 वेरिएंट हो जाते हैं, नोट 11, नोट 11 प्रो और प्रो मैक्स। जबकि इस बार तो नोट 10 के भाई इन्होंने बहुत सारे वेरिएंट कर दिए हैं, नोट 10, 10 प्रो, प्रो मैक्स और एक नोट 10S भी ऐड कर दिया, और नोट 10 लाइट को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो 5 टाइप के मॉडल्स इन्होंने नोट 10 सीरीज के अंदर इंडिया में ऐड किए हैं। आई होप कि ये फालतू का ड्रामा नोट 11 सीरीज के साथ में ना किया जाए, जबकि नोट 11 सीरीज चाइना की और इंडिया की दोनों डिफरेंट होती है। जो इंडिया की नोट सीरीज होती है वो एकदम अलग होती है, कोई भी स्पेक्स वगैरह इतने मैच नहीं करते उसके पूरे ऑल ओवर के जो वर्ल्ड है उसके साथ ही, चाहे आप नोट 10 सीरीज को ले लीजिएगा चाहे फिर नोट 9 सीरीज को। हालांकि ग्लोबली जो ये फ़ोन लॉन्च करते हैं तो उसमें से उम्मीद ये होती है कि जो इंडिया में इनकी नोट सीरीज लॉन्च हो रही है वही बाद में आउटसाइड या ग्लोबली जाती है या फिर एक साथ ही लॉन्च कर दी जाती है। तो फिलहाल ये उम्मीद है कि यहाँ पर नोट 11 सीरीज जल्दी लॉन्च होने वाली है चाइना के अंदर, और ये जनवरी और फरवरी के आसपास तक में भी इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगी, और इस साल के एंड तक में भी शायद ये लॉन्च कर दें इंडिया में, पॉसिबल है क्योंकि ये अक्टूबर के एंड में कंप्लीट लॉन्च अपना रखने वाले हैं नोट 11 का चाइना के अंदर। तो 2 महीने लगभग लग जाएंगे इंडिया में आते आते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा रियलमी की तरफ से भी 2 फोन्स की न्यूज़ है, रियलमी नार्जो 50 एंड नार्जो 50 प्रो लॉन्च होने वाले हैं इस मंथ के एंड तक, और या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में नार्जो 50 और नार्जो 50 प्रो लॉन्च होने की पूरी तैयारी में है। फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा क्लियर कुछ भी नहीं है, ना ही स्पेक्स के बारे में पता है, बट ये कहा गया है कि जल्दी ही इसके सारे स्पेक्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही लीक होते हैं तो हम बैठे ही हैं आपको यहाँ पर बताने के लिए। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।